खूबसूरत कीमती अल्फाज। अगर आपको हमारी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। इंसान की मदद का वसीला भी अल्लाह इंसान को ही बनाता है। लोगों को इज्जत दो, मौका दो और अपना वक़्त दो, लेकिन किसी से ताल्लुक रखने के लिए भीख मत मांगो। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। फासलों की फिक्र ना कीजिए, जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है वो मिलकर ही रहता है। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह करीम आपसे नाराज है। जब अल्लाह करीम किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिज़ी सुन सके। ना गाड़ी, ना बंगला, ना और आरजू, अल्लाह पाक सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। सारी दुनिया आपको छोड़ देती है, हालात कैसे भी हों, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ने जो तुमको दिया है इस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। किसी को इतना नाज़ता हो कि वो हाथ उठाए आपका नाम ले और रो पड़े। अरूज के वक्त इंसान की बेवकूफ़ियाँ भी दानिशमंदी बन जाती हैं, जबकि ज़वाल के वक्त दानिशमंदी भी बेवकूफ़ियाँ समझी जाती हैं। कभी कभी हम किसी से अपने जज्बात शेयर नहीं कर पाते कि हम उन्हें कितना याद करते हैं। वजह एको नहीं होती, बस अपने जज्बात की बेकदरी से डरते हैं। आजमाइश एक एंट्री टेस्ट की तरह होता है, जो सह जाए वो फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह के करीब हो जाता है। वक़्त तो अपने वक्त पे सिखा ही देगा, लेकिन जो वक्त से पहले सीख जाए वही अक्लमंद होता है। जिनको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह पाक बहुत गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। अच्छा गुमान और मीठी जबान इंसान के नेक अमल को बढ़ा देते हैं। जिस्म अगर जख्मी हो तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ दिल पर चोट लगने से होती है।